पर एक घर के अंदर मॉनिटर लिजार्ड, जिसे लोग गांव में बिसक पुड़िया के नाम से जानते हैं, गोह के नाम से जानते हैं, बिसखोपड़ा के नाम से भी जानते हैं, और मानते हैं ऐसा कि दोस्तों कि बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। और लोगों का यहाँ तक का अभी कहना है कि अगर वो किसी को काट ले तो काटने के तुरंत बाद ही इंसान की मौत हो जाती है, तो इतनी वो जहरीली बताई जाती है। चलिए कुछ लोगों से जानते हैं कि उसके बारे में लोग क्या समझते हैं। अच्छा, जो बिसकपुरिया होती है उसके बारे में आप क्या जानती हो, कितनी जहरीली होती है? बिसकपुरिया बहुत जहरीली होती है सर, और ऐसा आया कि पेशाब भी कट जाती है तो आदमी ख़त्म भी हो सकता है। ख़त्म भी हो सकता है, ऐसा सुना है ना कि तुरंत मर जाता है उसके काटने के बाद ही। सुना है। हाँ पवन भाई बताते हैं कि बिसकपुरिया काटने के बाद में पेशाब कर लेती है, लेकिन आप जो योग्य लोगों को बताते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, आप नहीं, इसका तो पता ही है जी, अब पता नहीं हमारे को तो इस चीज़ के बारे में। अच्छा, क्योंकि क्या सुनते आए हैं जो पूरा पुरानी जो बातें हैं उनको सुनने के हिसाब से लोगों का ये मानना है कि उसके काटते ही तुरंत आदमी मर जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम उसको आपको दिखाते हैं और उसके बारे में खास बात बताते हैं, और खास बात यह है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता, उसके अंदर कोई जहरीले दांत नहीं होते। चलिए उसको कैच करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कहाँ उसके जहरीले दांत होते हैं, किन दांतों से आदमी के मौत होती है, वो सब दिखाने की कोशिश करेंगे। और मिलिए आज खास बात, आज हमारे जेवर से एक भाई आए हुए हैं, जेवर टप्पल, तो इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है दोस्तों हमारे इस क्षेत्र में। और चलिए उसको रेस्क्यू करते हैं और आज इनके साथ ही मिलकर करते हैं, देखते हैं कितने अच्छे से ये रेस्क्यू कर पाते हैं, वो भी सब आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आइएगा, बैठी तो है। कोई ऐसा क्या, ये तो बोल्टन। तो दोस्तों देखिए, ये एक ऐसी जगह पर छुपी हुई है जहाँ से निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बैठना और बैठ करके इसको कैच करना और ईंटों को निकालना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल है। और ये ऐसी जगहों पर छुपकर बैठ जाते हैं जहाँ भूसा ऊसा या लकड़ियाँ या हमारे कंडे ईंधन भरे हुए होते हैं, ऐसी जगहों पर ये जीव छुपकर बैठ जाते हैं। जब भी ऐसी कम यूज वाली जगहों पर आप आते हैं कुछ काम करने के लिए, तो पहले अच्छे से जांच लें कोई जहरीला जीव तो वहाँ पर नहीं बैठा हुआ। दोस्तों अक्सर कर लोग आते ही अचानक से काम कर शुरू कर देते हैं और वहाँ कोई जीव बैठा हुआ होता है तो वो कभी कभी हमको काट लेते हैं, जिनसे हमें कभी कभी काफ़ी हमारी जान जो है जोखिम में पड़ जाती है। तो पहले ऐसी जगहों पर काम करते वक्त अच्छे से जांच लें। चलिए इसको निकाल पाते हैं, किस किस तरह से निकालते हैं। ये ईंट लगानी पड़ेगी, हटना कपड़े लुक जाए, थोड़ी सी उठा दो कपड़े लुक जाए तो ऊपर। अरे तू भी आई, ले भैया ले, सब पल देखो, या ले सब पल, ले सब पल, गिरी के ले लो भैया, ले लो लिख लिया, गुना लिख लेंगे, लिख लिया नहीं चाहिए। रुको ज्यादा ना, वो टूट जाएगी खबरें, जा के पांच लग जाएगी, उठाओ ना ऐसे उठा रहे हो ना, वो काम हां बस ये कर उठा रखो, बस रुक जाना एक फगल सुन। ये पेरा टेप का सुन, हाथ लगा दे, फिर दे अरे ये बड्डी है चंदन को कहना, बड़ी गोई तो चंदन को
क्या पहचान है चंदन को और विशनपुरिया की, मुझे ये बताओ। सफेद है के कारी होते हैं। कहाँ है वो हेमंत भाई? माइक दो। इधर आइए प्रधान जी, इधर आइए। आपकी नज़र में क्या जानवर है ये? चंदन गो। चंदन गो। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा था ना कि लोग इसको अनेक नाम से जानते हैं, तो इसको प्रधान जी मानते हैं कि ये चंदन गो है। क्या पहचान है चंदन गो की और बिस खोपड़ा की? वो कारी होता है बिस्परिया, ये सफ़ेद है की पूछ। अच्छा ये सफ़ेद है, बाकी कारी होता है, बाकी काली होती है, और ये पंजे जो है बाकी बहुत छोटे होते हैं। तो इसकी क्या खूबी है? ये सीधा जानवर है, कितने कितने थोड़े हैं हंकर। ये सीधा जानवर है। अच्छा, और वो बिस खोपड़ा जो होता है वो बहुत तेज होता है, वो तो गार्ड में तो जीव ही निकालते लपलाते रही। जीव? जीव तो ये भी निकालती है। जीव ना निकालती है, ना ऐसे मोही फारेगी, मोही फारेगी, काटेगी नहीं, काटेगी नहीं, ये काटती नहीं है। इसके दांत हम आपको दिखाते हैं, आपको लगता है कि इसके दांत नहीं होते? दांत होते हैं, होते हैं। पीछे भी तो देखिए, देखिए दिख रहे दांत ये आपको? दोस्तों आज इसके दांत दिखाने के चक्कर में मेरी उंगली इसके मुंह में जा चुकी है, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है दोस्तों। थोड़ा स्टिक की नुक डालिएगा इसके मुंह में, नहीं कोई और चीज डाल दीजिए, गाड़ी की चाबी, चाबी 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 तो खुलेगा, दांत तो सीधे भी है, दबा देगी और ज्यादा। अंदर को डालो, भीतर को डालो, चाबी को करके घुमा दो उसको, नहीं 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 दांत दिख रहे इसके। चलो 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 और अंदर, दांत खतरनाक हुई है। चाबी को बस छोड़ दो, अपने आप छोड़ देगी। तो दोस्तों जान ही निकाल दी इसने मेरी, दांत टूट गए ना। हाँ अंदर तक चले गए, काफी अंदर तक दांत समा चुके हैं और टूट चुके हैं उंगली के अंदर, दांत टूट गए। तो चलिए कोई नहीं, कभी कभी ऐसा होता रहता है। और बता दूं दोस्तों इसके काटे जाने पर किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जहरीले दांत नहीं होते। जो स्पेशल दांत होते हैं आप देख सकते हो फिर से, अब कैमरामैन इसको खास खास दिखा सकते हैं साफ साफ। और हमारी एक गलती की वजह से इसके कुछ दांत भी टूट गए हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए इसके दांतों को हम दिखाते हैं, कितने लंबे लंबे दांत हैं। देखिएगा इसका दांत, कैमरामैन फोकस कर करके दिखलाइएगा, हाथ पे लेके दिखा दो उस पे लेके, ये रहा दोस्तों। एक मगरमच्छ की प्रजाति का जीव है, छिपकली से लेके मगरमच्छ तक ये एक ही प्रजाति के जीव माने जाते हैं। और ना तो मगरमच्छ के अंदर जहर होता है दोस्तों, ना ही छिपकली के अंदर जहर होता है, और ना ही इस जीव के अंदर जहर होता है। हाँ इसकी लार में एक बैक्टीरिया ज़रूर होता है, अगर ये हमें ज़्यादा ताकत से काट ले और इसकी लार हमारे ब्लड से टच हो जाए तो दोस्तों हमें कभी कभी घबराहट और उल्टी चक्कर जैसी दिक्कत हो जाती है, ना कि हम किसी रूप से बीमार हो सकते, ना ही हम पर कोई जहर चढ़ सकता, ना ही कोई हम पर ऐसी कोई ज़्यादा परेशानी आ सकती। हालांकि थोड़ा सा चक्कर या घबराहट हो जाती है, वो भी उन लोगों के अंदर जिनके अंदर कम एनर्जी होती है, वीकनेस उनके अंदर ज़्यादा होती है, कमज़ोर शरीर से थोड़े कमज़ोर लोग होते हैं, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो चलिए इसको अब डब्बे में पैक करते हैं और इसको जंगल में कहीं आज़ाद करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम इसको ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहते। हमने थोड़ा सा इसको परेशान किया, इसने हमें भी परेशान कर दिया उसके साथ साथ। अब इस उंगली को हम साबुन से धो करके और इसके अंदर जो दांत टूटे रह गए हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं किसी डॉक्टर के पास और एक छोटा सा ट्रीटमेंट लेते हैं। चलिए इसको डब्बे में पैक करते हैं। चले जाइए, ना टूट जाइए नल है यहाँ पर, नल।